देश बचाओ। बचाओ नहीं, बनाओ बनाओ। बचाओ का मतलब क्या? बनाओ। हंसियो ना जी, अस्तित्व बचाओ, देश बनाओ, विरासत बचाओ, देश बनाओ। अपने विदेशी वस्त्र छोड़कर अपने देशी वस्त्र जो हाफ धोती है वो पहनना शुरू किया था 22 सितंबर को मदुरई से। मदुरई तो मैंने वहीं से वो यात्रा शुरू की, क्योंकि ये जो हमारा जीवन जब सादगी से चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बागपत जिला भारत के उन जिलों में से है जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, बारिश बहुत अच्छी होती है, यहाँ कई नदियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारा जो जिस तरह का विकास के रास्ते पर हम चले, उस विकास ने हमारे बुद्धि का विस्थापन कर दिया है और उससे हमारा ये सब बिगाड़ हो रहा है। आप देखेंगे कि कृष्णी नदी, हीनन नदी, यमुना, यमुना में तो खनन करके उसकी हत्या कर दी, और कृष्णी और हीनन उसके अंदर जो पॉल्यूशन है वो इतना हाई लेवल पॉल्यूशन है कि उसका ट्रीटमेंट करना ही संभव नहीं है। उसके अंदर क्रोमियम है, उसके अंदर नाइट्रेट्स हैं, उसके अंदर मरकरी है। ना तो क्रोमियम का, ना मरकरी का, और ना इनके पास नाइट्रेट्स का ट्रीटमेंट का कोई साधन ही नहीं है। जहाँ इस तरह की इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो मरकरी है और ये जो क्रोमियम है ये कैंसर के रोगी बनाता है, और कैंसर बढ़ता जाता है तो जितना उससे लाभ नहीं होता उतनी बड़ी उस इलाके को हानि होती है। तो हानि से बचाने के लिए ऐसी इंडस्ट्री को या तो उसका ATP लगा कर एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा के ठीक करें, या फिर ऐसे पानी को कदाचित भी नदी में नहीं मिलने देते। भारत में रिवर और सीवर को सेपरेट रखने का नियम था। भारत की नदी नीति में है कि नदियों में कोई खनन नहीं हो सकता। भारत की नदियों के संरक्षण के कानून में ये लिखा है कि जो जल प्रदूषित है वो नदी में नहीं प्रवाहित कर सकते। लेकिन इस देश में सब कुछ कानूनों के खिलाफ चल रहा है।